सात नवंबर मंगलवार का दिन तुला राशि वालों के लिए आज केतु और शुक्र का प्रभाव। आज आप बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्य के धनी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज ब्रह्म योग में मूल नक्षत्र का केतु जो शुक्र के साथ आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है, अपने प्रभाव से आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता, आपके जीवन में सुख सौभाग्य लाभ का योग बना रहा है। लेकिन जब इंद्र योग आरंभ होगा तो उस समय शुक्र की स्थिति आपके लिए बड़ा ही सुखकारी साबित होगा। अब आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो चुकी है, अब आपके भाग्य में सुख संपत्ति का योग बन रहा है। ऐसे समय में जीवन में कई प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होती है। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता कामयाबी पाते हैं, उम्मीद से ज़्यादा धन का लाभ होता है और आपके लिए समय सुख देने वाला साबित होता है। तो आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है उस योग से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी पा सकते हैं। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है जिसके प्रभाव से आपका भाग्य बदल जाएगा और आपके जीवन में बहुत तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में कौन सा शुभ काम होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सात नवंबर मंगलवार का दिन, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज का दिन ब्रह्म योग में मघा नक्षत्र में आरंभ होगा। केतु स्वामी रहेगा जो शुक्र के साथ आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। 3:20 तक ब्रह्म योग हो रहेगा और मघा नक्षत्र 4:24 तक। उसके बाद इंद्र योग आरंभ हो जाएगा और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र स्वामी होगा। चंद्रमा की स्थिति बेहतर है और आपकी कुंडली में केतु और शुक्र का प्रभाव, साथ ही साथ बुध और चंद्रमा की दृष्टि, जिसके कारण आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। ब्रह्म योग में आपके जीवन में कुछ अच्छे काम होते हैं और इंद्र योग में जीवन का सुख आप प्राप्त करते हैं। आज का दिन आपको बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्य दे रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य मंगल की युक्ति है जिसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में गोचर कर रहा है, आदित्य योग बना रहा है जो आपके जीवन में सुख को बढ़ाता है, बड़ी सफलता कामयाबी का योग बनाता है और आपके सपनों को साकार करता है। आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली दिन इसलिए भी है कि सूर्य मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र के पराक्रम स्थान में बुध का गोचर है और बुध के लाभ स्थान में शुक्र का गोचर, वहीं दूसरी तरफ राहु बुध के सुख स्थान में गोचर कर रहा है। साथ ही साथ राहु की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर होने से आज अचानक तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। आज का दिन केतु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, साथ ही साथ बुध और चंद्रमा की दृष्टि से आप बड़े भाग्यशाली होंगे। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य इस समय विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति से प्रभावित है। जब भी विशाखा नक्षत्र में सूर्य का गोचर होता है तो बृहस्पति के प्रभाव से
सूर्य शुभ फल देता है। चंद्रमा आज पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है, वहीं मंगल भी विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति से और बुध भी विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति से प्रभावित है। यानी आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सूर्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन बृहस्पति भरणी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है और शुक्र उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव से प्रभावित है। अगर हम बात करें शनि की, राहु की और केतु की, तो इस समय राहु रेपती नक्षत्र में बुध से प्रभावित है और केतु चित्रा नक्षत्र में मंगल से, जबकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से प्रभावित है। नवग्रह का प्रभाव आपके जीवन में विशेष तौर पर वैभव सुख और खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और लाभ का अवसर आपको प्राप्त होगा। परिवर्तन का योग है, बड़ी उपलब्धि लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ सुख और भाग्य की बुलंदी पर शुक्र के कारण आप पहुंचेंगे। शुक्र जब केतु के साथ गोचर करता है तब आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति हो जाती है, अनेक तरह के सुखों का आप भोग करते हैं, जीवन बड़ा सुखी हो जाता है और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाती है और दिन बड़ा शानदार हो जाता है, मेहनत का परिणाम भी मिलता है, जीवन में सुख धन की प्राप्ति भी होती है, भाग्य भी आप पर मेहरबान हो जाता है और अपने दम पर आप जीवन में बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जिससे आपका जीवन वैभवशाली हो जाता है, सुख बढ़ने लगता है, धन बढ़ने लगती है, स्थिति में सुधार आने लगता है, कार्य की उन्नति से नौकरी व्यापार अच्छा चलता है, आत्मविश्वास की वृद्धि से कार्य की सफलता होती है, जब कार्य की सफलता होती है तो धन का लाभ होता है, जब धन का लाभ होता है तो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। यानी जीवन में नई उमंग, नया जोश, नई उत्साह के साथ आप जीवन का भरपूर आनंद भी ले पाएंगे और अपने जीवन में लाभ तरक्की सुख समृद्धि भी हासिल कर पाएंगे। यानी स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, ऐश्वर्यपूर्ण आपका जीवन होता है और जीवन में तरक्की उन्नति लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब ब्रह्म योग होता है तो जीवन से निराशा दूर होने लगती है, लेकिन जैसे ही इंद्र योग आता है वैभव आपके जीवन में बढ़ने लगता है, आकर्षण आपके जीवन में बढ़ने लगता है, आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, तेजस्वी बन जाते हैं, अत्यंत सुख फलों की प्राप्ति होती है। और शनि जब आपके कर्म को प्रभावित करता है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ी सफलता मिल जाती है, सुख और कामयाबी से अपनी अधूरी इच्छा को आप पूरा करते हैं, सकारात्मक परिणाम से भाग्य की बुलंदी से जीवन में अनेकों सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा, प्रथम चरण का स्वामी शुक्र है, द्वितीय चरण का स्वामी मंगल, तृतीय चरण का स्वामी शनि है, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। चारों चरण आपके लिए भाग्य का द्वार खोलेगा, पर सबसे ज़्यादा लाभ आपको मंगल और बृहस्पति इन दो चरण में होगा, यानी द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में ज़्यादा लाभ होगा, जबकि प्रथम चरण में शुक्र के प्रभाव से संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन में खुशहाली बढ़ेगा, आपके लिए खुशी महसूस होगी और जीवन में अपने शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। सक्सेस, वेल्थ, पावर, यानी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप विजय प्राप्त करेंगे, अपने मेहनत को करते जाएं। निश्चित ही किस्मत इतनी मेहरबान है कि परिश्रम आपके भाग्य को बदलेगा और आपके जीवन में आपको प्रभावशाली बनाएगा, सुख धन सफलता देने वाला आज का दिन आपके लिए वैभवशाली साबित होगा। आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, बड़े बदलाव होने वाले हैं, आकर्षक जीवन है,
सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आप भाग्यशाली भी होंगे, गृहस्थ जीवन में खुशियां बढ़ेगी, बच्चों की उन्नति भी देखेंगे और भाग्य से जीवन में भाग्यशाली भी बनेंगे, यानी आपके कष्टों का अंत होने वाला है, आपके जीवन में तरक्की उन्नति सुख समृद्धि। क्योंकि दीपावली और धनतेरस के पहले कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आपको होगी, शुभ समय आपका चल रहा है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आज का दिन बड़े सौभाग्यशाली दिन है, बड़े भाग्यशाली आप हैं। आज राहु काल 2:48 से आरंभ होगा जो शाम 4:10 तक रहेगा। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर व्हाइट होगा और लक्की नंबर 5 होगा। तो आज का दिन बेहतर दिन है। अमृतकाल 1:42 के बाद का समय आपके लिए बड़ा शुभ साबित होने वाला है। तो आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, निश्चित ही आपकी किस्मत बदलेगी, निश्चित ही आपका भाग्य चमकेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।